कांग्रेस का उसमें रोड ही बीच रही है वो लापता कर रहे हैं। बाकी दो रोड है वहाँ जो को पीडब्ल्यू में टेंडर डिपार्टमेंट को कॉपरेट किया है ना। मैं ये आनंद आनंद कहता हूँ, मैं ये कहा कि हमने पैसे नहीं दिए। अभी मुझे कोई पिछले महीने में शायद यहाँ SDM साहब आज इशू किए, इसके अलावा भी जो है वो उनका दफ्तर खुला है। अगर किसी का कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट, चाहे वो इनकम है, चाहे वो EWS है, चाहे वो कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो यहाँ पे बैठी हैं इनोवेटिव स्टेप्स लेने के लिए, तहसीलदार साहब साहिल साहब जो है इस ब्लॉक दिवस के मौके के ऊपर, जो दूसरी सर्विसेज है चाहे वो फाइल लेनी या हमें आते ही इतना अच्छे से वेलकम किया, हमारी बातें सुनी और कुछ अपनी शिकायतें सुनाई। मुझे एरिया में जब मैं किसी एरिया में जाता हूँ तो मैं दो तीन चीजें देखता हूँ कि वहां पर डेवलपमेंट का क्या लेवल है, लिटरेसी का क्या लेवल है और लोगों का नेचर कैसा है। तो रास्ते में आते ही ये तो पता चला कि डेवलपमेंट तो यहाँ ठीक ठाक है। लिटरेसी के बारे में आपने खुद ही बताया कि यहाँ के लोग काफी बड़े बड़े ऑफिसर हैं ऑलरेडी हैं, और नेचर से मुझे पता चला कि आप बड़े वेलकम करने वाले लोग हैं, दिल खुश मिजाज लोग हैं। डेवलपमेंट में जो DC का एक रोल रहता है कि उसको इलाके की तरक्की को तेज करना होता है, आपने हमें 4-5 पॉइंट बताए। मुझे उसमें सबसे मेन पॉइंट ये लगा कि जो यहाँ की जो रोड है इसमें आपको कुछ कॉम्पनसेशन के इश्यूज हैं और आप ये चाहते हैं कि रोड जल्द से जल्द बने। दूसरा, आपके जो पुराने PMGSY के रोड्स हैं उनकी कॉम्पनसेशन के लिए आपको कुछ इश्यूज हैं। आज हमारे SDM साहब यहाँ बीच में नहीं हमारे बैठे हैं, वो हमसे छुट्टी लेके गए हैं, उनको घर का कोई इश्यू है। वो इस एरिया के कलेक्टर भी हैं। PMGSY में जितना भी पैसा है मैं उनको एक टारगेट दूंगा कि अगले 6 महीने में इसको जल्दी से वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। रही बात सोशल वेलफेयर की स्कीम्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ने आपको अच्छे से रिप्लाई तो दिया है, लेकिन मेरे को लगता है कि कहीं गैप्स रह गए होंगे, कुछ केसेस हैं जिनको अभी भी हम ऐड कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि वो एक स्पेशल कैंप लगाए यहाँ पे, जितने भी लेफ्ट आउट केसेस हैं उनको यहाँ पे वो उनको ऐड करें। एक आपकी डिमांड है कि यहाँ पे अभी भी कुछ 4 घर रह गए हैं जिनकी बिजली अभी नहीं आएगी, अभी तक यहाँ नहीं पहुंच पाई है। तो हमारे एक्शन साहब ने आपके सामने कमिट किया है कि वो 15 जनवरी तक वो बिजली हम यहाँ पर लाएंगे। एक और इशू जो हर एक जो शिकायत करने वाला है उसके बातों में सामने आया कि कोई एक यहाँ प्लांट है जिसका मैकेनिकल इक्विपमेंट अभी तक यहाँ नहीं 10-12 साल में नहीं पहुँच पाया है। उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि इसको इस कैपेक्स में नहीं तो नेक्स्ट कैपेक्स में हम चाहेंगे आपका वो वाटर सप्लाई जो है वहाँ से बहाल हो जाए। बाकी रही आपकी जो डिमांड है कि आपकी अपग्रेडेशन है PHC को CHC में कन्वर्ट करना है, मैं कोशिश करूँगा, मैं चिट्ठी लिख के इसको आपके डॉक्टर्स की तादाद या यहाँ पर कर दूँ, ज़्यादा कर दूँ। आपकी एक्सरे की मशीन जो 20 साल पुरानी है उसको ठीक कर दें, कुछ ना कुछ इसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपके साथ की, आपके DDC जो यहाँ पे मेंबर हैं वो खुद एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, वो SCR का रजौरी रहे हैं, ADC रजौरी रहे हैं, उनसे मैं बात कर रहा था, उनकी भी एडमिनिस्ट्रेटिव डेप्थ काफ़ी है, हम उनकी नॉलेज को भी यूज़ करेंगे। हमारे जो म्यूनसिपैलिटी के जो प्रेसिडेंट है उनकी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डेप्थ काफ़ी है, हम उनकी भी गाइडेंस लेंगे। हम कोशिश करेंगे अगले 6 महीने में जो आपके थंडामेंटी के इश्यूज हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपका एंड में धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।